डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के MBA डिपार्टमेंट में जैविक एवं शून्य लागत प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ डीन हॉर्टिकल्चर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि किया। बता दें कि इस ट्रेनिंग कैंप में कुल्लू जिला के निर्मल ब्लॉक के करीबन 25 महिलाएं एवं पुरुष किसान भाग ले रहे हैं। 2 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में किसानों को जैविक खेती में प्रयोग होने वाले आदान को बनाने से लेकर उनका खेती में छिड़काव करने तक की विधि के बारे में खेतों में ले जाकर जानकारी दी जाएगी। संयुक्त निदेशक अनुसंधान नौणी विश्वविद्यालय डॉक्टर राजेश्वर चंदेल ने बताया कि शून्य लागत खेती क्या है और इसे कैसे किसान अपना सकते हैं, इसको लेकर विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान किस प्रकार शून्य लागत खेती कर सकते हैं इस बारे में किसानों को आवश्यक टिप्स दिए गए। किसानों को शून्य लागत प्राकृतिक खेती क्या है इस बारे में भी ये जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय में एक डेमोंस्ट्रेशन यूनिट तैयार किया है और अभी उसमें किसान भी इस विभाग के माध्यम से हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। अभी ये 2 दिन की ट्रेनिंग है, जिसमें एक दिन पूरा दिन हम पहले इनको शून्य लागत ये कल्पना क्या है ये बताएंगे और उसके बाद इनको खेत में ले जाकर विभिन्न इसके जो इनपुट्स हैं आदान है वो कैसे बनते हैं, कैसे उनको छिड़काव करते हैं और हम खेत में इनको बताएंगे कि कैसे खेती इस परंपरा के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत तैयार की जाए।